कुदेव जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टॉप एमसीक्यू सीरीज में, जिसमें हम आपको संपूर्ण सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। कल तक हमने देखा था कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के बाद कैसे उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ना प्रारंभ हुआ। साथ ही हमने होम रूल लीग पर भी क्या किया था, एक विस्तृत चर्चा किया था। उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हुए अब क्या देखेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं छत्तीसगढ़। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत जितने भी नेशनल मूवमेंट्स हुए और उनका क्या क्या प्रभाव अब छत्तीसगढ़ में पड़ा, ठीक है, इसके बारे में क्या करेंगे अब हम लगातार एक एक वीडियो कर उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल तक में अगर किसी को कुछ डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट रख सकते हैं। ठीक है, और नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस कारण से 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया था, क्यों किया था? तो भूमि कर में वृद्धि के कारण, नहर कर लगाना, नहर के उपयोग पर जुर्माना, की सिंचाई में वृद्धि, इनमें से किस कारण से जो कंडेल के ग्रामीण थे उन्होंने क्या किया था, तो आंदोलन किया था, ये आपको बताना है। ठीक, तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम थोड़ा सा कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये था क्या। तो आप बताएंगे कि जो कंडेल नहर सत्याग्रह है, ठीक है, कौन सा सत्याग्रह आपका, कंडेल नहर सत्याग्रह। ठीक है, ये कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है, ये हुआ कब था, समय आपको पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 1920 में। ठीक है, कब हुआ था, तो 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था। स्थान, ग्राम कंडेल, ग्राम कंडेल, तहसील कुरुद, और जिला आपका क्या, तो जिला आप बताएंगे धमतरी। ठीक है, जिला क्या, धमतरी। ठीक, इस कंडेल नहर सत्याग्रह के अंतर्गत नेता या इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या थे, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, और इन शर्मा जी के सहयोगी, शर्मा जी के सहयोगी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नारायण राव मेघावाले, नथुजी जगताप, नथुजी जगताप, ये क्या थे, तो ये सभी मुख्य नेता थे कहां पर, तो कंडेल नहर सत्याग्रह के। अब हुआ क्यों था कंडेल नहर सत्याग्रह, देखिए कल मैंने चर्चा किया था कि जब ब्रिटिश शासन प्रारंभ होता है तो प्रारंभिक ब्रिटिश शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सिंचाई के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन
20वीं सदी के प्रारंभ से ही, ठीक है, कब से, तो 20वीं सदी के प्रारंभ से ही जो ब्रिटिश सरकार रहती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है, वो क्या करती है, भारत के अंतर्गत जो सिंचाई का विकास है उसके संबंध में वो ध्यान देना शुरू करती है। और सिंचाई के विकास के लिए 20वीं सदी के प्रारंभ में ही 1912 से लेकर मान के चले आप 1923-24 तक में, तो धमतरी के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो धमतरी के अंतर्गत मुरुमसिल्ली बांध एवं रुद्री बांध का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसमें से ये जो मुरुमसिल्ली बांध था, ठीक है, कौन सा बांध, मुरुमसिल्ली बांध, और दूसरा क्या आपका रुद्री बांध, ठीक है, इसमें से रुद्री बांध से सिंचाई हेतु क्या निकाली गई, नहर निकाली गई। और रुद्री बांध से जो सिंचाई हेतु नहर निकाली गई थी वो क्या हो रहा था, तो वो कंडेल गांव से भी गुजर रहा था। ठीक है, कहां से गुजर रहा था, कंडेल गांव से गुजर रहा था। क्लियर है, बात समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। रुद्री बांध से एक नहर निकाल दिए हम, और नहर कहां गुजर रहा है, तो कंडेल गांव से गुजर रहा है। अब जो बांध प्रशासन रहता है वो कहता है कि बांध के पानी या ये जो नहर का पानी है इसका उपयोग अगर आपको करना है, ठीक है, किसी भी गांव के जो ग्रामीण है उनको क्या करना है, अगर बांध के पानी का उपयोग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 साल का हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक अनुबंध आपको करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप ये अनुबंध करते हैं तभी आप क्या कर पाएंगे, नहर के पानी का उपयोग कर पाएंगे। कुछ कुछ गांव ने किया होगा, लेकिन कंडेल ग्राम के जो ग्रामीण रहते हैं, जो किसान रहते हैं, वो इस अनुबंध को करने से क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं। उनका कहना रहता है कि हमारे पास इतना धन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि हम क्या कर सकें, तो आपको पानी लेने के बदले आपको पैसा दे सके। ठीक है, हम ऊपर वाले के दिए हुए पानी पर क्या है, निर्भर है, वो पानी देगा उस हिसाब से हमारी क्या हो जाएगी, हमारी फसल हो जाएगी, और उस फसल से हमारा दिन चल जाता है। ठीक है, तो हमें आपके नहर के पानी का यूज करने की जरूरत नहीं है। अब बांध प्रशासन जो रहता है वो बहुत कोशिश करता है कि कंडेल ग्राम के ग्रामीण क्या कर लें, तो कंडेल ग्राम के ग्रामीण जो किसान हैं वो इस अनुबंध पे समझौता कर ले, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं था। तब अगस्त 1920 के समय में जो बांध प्रशासन रहता है वो क्या करता है, तो जो बांध प्रशासन रहता है वो कंडेल ग्राम के ग्रामीणों पर या ग्रामीणों के जो खेत रहते हैं उसमें क्या कर देता है, षड्यंत्र पूर्वक रात में नहर का पानी छोड़ देता है। ठीक, अब नहर का पानी छोड़ दिया, ठीक है, क्यों छोड़ते हैं, ताकि नहर के पानी के चोरी का आरोप लगाकर कंडेल ग्राम के ग्रामीणों से क्या किया जा सके, जुर्माना वसूला जा सके। ठीक है, लेकिन उसी रात में क्या हो जाता है, तो इंद्र भगवान भी प्रसन्न थे, उस रात को झमाझम बारिश करवा देते हैं वो। अब इंद्र भगवान इतना बारिश कराते हैं कि पूरा खेत क्या हो जाता है, लबालब पूरा पानी से भर जाता है। ठीक है, इसके बावजूद भी जो बांध प्रशासन था वो क्या करता है, तो ग्रामीणों के ऊपर पानी चोरी का आरोप लगाकर, ठीक है, उन पर 4,033 रुपए का क्या करता है, जुर्माना लगाता है कि भैया तुमने क्या किया है, चोरी किया है। ठीक है, ग्रामीण कहते हैं चोर तुम लोगों, तुम आए हो यहां पर भारत में, हमारे ही देश में बसे हो, हमारे देश में आकर हमारे ही देश का पानी ले रहे हो, ठीक है, और हमारे पे ही क्या कर रहे हो, हमारा ही पानी यूज तुम कर रहे हो, और उस पानी के उपयोग के लिए तुम क्या कर रहे हो भैया, हमारे ऊपर चोरी का आरोप लगा रहे हो, नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे, हम लोग तुम्हारे जुर्माने का राशि भाई देंगे ही नहीं, तुमको जो करना है वो कर लो। अब ऐसा बात आ गया तो प्रशासन बोला ऐसा बात है, तो ठीक है, वो क्या किए, पुलिस की सहायता से जितने भी कंडेल ग्राम के ग्रामीण रहते हैं उनके मवेशियों को कुर्क कर लेता है। ठीक है, जब्त कर लेता है कंडेल के, क्या कर लेता है, कंडेल के जितने भी मवेशी रहते हैं उनको कुर्क कर लिया। कौन कुर्क कर लेते हैं, तो बांध प्रशासन या अंग्रेजी सरकार ग्रामीणों की मवेशियों को, ठीक है, जो भी गाय भैंस रहती है उनको क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। अब जब्त करके अलग अलग स्थानों पर भेजा जाता है पूरे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत या उसी आसपास के एरिया में भेजा जाता है कि क्या किया जाएगा, इसकी नीलामी करेंगे और नीलामी कर फिर क्या कर लेंगे हम, तो ये जो 4,033 रुपए का जो जुर्माना लगा है उसको वसूल लेंगे। लेकिन सबको पता रहता है कि ये सारी मवेशियां कहाँ की रहती है, तो ये सारी जो मवेशियां रहती है वो आपके कंडेल ग्राम के निवासियों की है, तो लोगों को पता रहता है वहां पर क्या हो रहा है, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक सत्याग्रह चल रहा है, तो कोई भी छत्तीसगढ़ के किसी भी किस कोने पर क्या नहीं किया जाता, इन मवेशियों को नहीं खरीदा जाता। ठीक है, अब होता क्या है, जो गांव के लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार के इस अत्याचार के विरोध में पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में क्या करना शुरू करते हैं, तो आंदोलन करना शुरू करते हैं, सत्याग्रह करना शुरू करते हैं, जिसमें और उनके सहयोगी कौन कौन है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले और नत्थू जी जगताप क्या है, इसमें उनके प्रमुख सहयोगी के रूप में है। क्लियर है, बात समझ में आ गया यहां तक। अब इसके बाद होता क्या है,
ठीक है पंडित सुंदरलाल शर्मा क्या कर रहे हैं, तुम अपना आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन इससे क्या नहीं हो रहा है, ब्रिटिश शासन को, बांध प्रशासन को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, तुमको तो देना पड़ेगा, जब तक नहीं दोगे तब तक क्या नहीं करेंगे, तुम्हारी मवेशियों को हम देंगे नहीं, ठीक है। ऐसा बोल रहा है कौन? तो ऐसा बोल रहे हैं बांध प्रशासन। तब अब आंदोलन में अधिक समय बीत जाने पर जो पंडित सुंदरलाल शर्मा रहते हैं वो क्या करते हैं, तो ये आंदोलन का नेतृत्व वो गांधी जी को सौंपने पर विचार करते हैं। ठीक है, किसको सौंपने पर विचार करते हैं, तो गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व सौंपने पर विचार करते हैं। और फिर गांधी जी को लेने वो यहां से चले जाते हैं कलकत्ता। अब जैसे इस बात की पता चलती है किसको, तो रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं और आने के बाद कंडेल ग्राम का जायजा लेते हैं, और जायजा लेने के बाद वो मानते हैं कि किसान इस प्रकरण में क्या है, पूर्णतः निर्दोष है। ठीक है, अब किसान निर्दोष है तब क्या बोलते हैं कि ठीक है तुम लोग निर्दोष हो, तुम लोग क्या कर देना भाई, तो तुम लोग आधा ही जुर्माना दे देना। किसान कहते हैं जब हम निर्दोष हैं तो हम आधा जुर्माना भी क्यों देंगे भाई, नहीं देंगे हम, ठीक है, हलवा है क्या, ठीक है, आधा जुर्माना भी क्यों दें हम, जब हम निर्दोष हैं तो हम आधा जुर्माना क्यों देंगे, नहीं देंगे, ठीक। फिर वो बोलता है ठीक है आधा मत देना, तीन चौथाई दे देना, तो बोलते हैं तीन चौथाई भी क्यों देंगे हम, एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे आपको, ठीक है, क्यों देंगे, हम निर्दोष हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ऊपर जो जुर्माना लगाया गया है उसको माफ करना पड़ेगा, साथ ही हमारी मवेशियों को भी क्या करना पड़ेगा, आपको हमको वापस लौटाना पड़ेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। ये किसका कथन रहता है, ग्रामीणों का कथन रहता है। तो अब डिप्टी कमिश्नर विचार करते हैं कि भैया क्या करता हूं मैं, इनका ये जुर्माना माफ कर देता हूं, मवेशियों को भी वापस कर देता हूं, नहीं तो फिर वो लेने के लिए गए हैं किसको, गांधी जी को, गांधी जी आएंगे तो फिर क्या होगा, एक बहुत बड़ा जन सैलाब आएगा और फिर उसको रोक पाना क्या होगा, हमारे लिए मुश्किल होगा। तो जो रायपुर का डिप्टी कमिश्नर रहता है वो क्या कर देता है, तो रायपुर का डिप्टी कमिश्नर यहां पर जितना भी जुर्माना रहता है 4,033 रुपए उसको माफ कर देते हैं, साथ ही मवेशियों को भी क्या कर दिया जाता है, ग्रामीणों को वापस लौटा दिया जाता है। ठीक, इस प्रकार ये जो कंडेल नहर सत्याग्रह रहता है वो क्या होता है, गांधी जी के आने से पहले ही सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है। ठीक है, कैसे समाप्त होता है, तो सफलतापूर्वक समाप्त हो जाता है। क्लियर है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 1920 में कंडेल गांव के किसानों ने आंदोलन किया, किस कारण से किया, तो नहर के उपयोग पर जुर्माना, ठीक है, इनके ऊपर जुर्माना लगाया गया था, इसी के कारण क्या किया गया था, तो ये आंदोलन किया गया था। ठीक, अगला बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे, कौन कौन से नेता थे, घनश्याम सिंह गुप्त थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, छोटेलाल श्रीवास्तव थे कि नारायण राव मेघवाल थे, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4 कौन सही है जल्दी बताओ, ठीक है, कौन सा सही है बताएं जल्दी आप। ठीक, तो हमने देखा था अभी कि सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघा वाले क्या थे, इसमें प्रमुख नेता थे, साथ ही एक और कौन व्यक्ति थे, तो एक और व्यक्ति नत्थू जी जगताप थे। ठीक है, कौन थे, एक और व्यक्ति नत्थू जी जगताप थे। ठीक है, इसमें घनश्याम सिंह गुप्त कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2, 3, 4 कहां दिख रहा है, बी में, आंसर क्या होगा आपका, बी। क्लियर है, अगला देखें, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में स्वाधीनता आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया, दूसरा असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में नमक सत्याग्रह हुए, तीसरा छत्तीसगढ़ बंगाल एवं महाराष्ट्र क्रांतिकारियों का केंद्र था, और चौथा भारत छोड़ो आंदोलन छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक चला, इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो अभी हमने देखा था कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया था, 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ये कथन क्या है आपका, सही है, ये आंसर हो गया। ठीक है, बाकी कथनों पर चर्चा करते हैं, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में नमक सत्याग्रह हुए, तो असहयोग आंदोलन के समय नमक सत्याग्रह नहीं हुआ था, ये नमक सत्याग्रह जो था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था, क्या आपका, तो नमक सत्याग्रह। छत्तीसगढ़ बंगाल और महाराष्ट्र क्रांतिकारियों का केंद्र था, तो छत्तीसगढ़ बंगाल महाराष्ट्र क्रांतिकारियों का केंद्र था, लेकिन इसके अलावा संपूर्ण भारत ही क्या था, तो क्रांतिकारियों का केंद्र था। ठीक है, महाराष्ट्र भी क्रांतिकारियों का केंद्र था। ठीक है, महाराष्ट्र के अलावा आप देखें तो पंजाब भी क्रांतिकारियों का केंद्र था। ठीक, तो लगभग सभी भारत में क्या चल रहा था, तो क्रांति चल रही थी। ठीक, ये क्वेश्चन सही होता, ठीक है, पर्टिकुलर जो ऑप्शन है ये सही होता, कब होता, तो आप जब दिया जाया रहता आपको कि 1 सही है, 2 सही है, 1, 3 सही है, 1, 4 सही, ऐसा अगर आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिया हुआ रहता ये, तो ये भी कथन क्या होता, सही होता। आपको यही ध्यान रखना है, पीएससी क्या करता है, ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा है आजकल, जिसमें पर्टिकुलर दो ऑप्शन क्या होते हैं, सही होते हैं। अब उन दो ऑप्शनों में से भी आपको क्या करना है, चूज करना है कि पर्टिकुलर कौन सा जो ऑप्शन है वो क्या है, सबसे ज्यादा सही है।
ठीक। तो इसमें हमको दिख रहा है कि सुंदरलाल शर्मा 1920 में कंडेल नर सत्याग्रह का नेतृत्व किया, एकदम सर्व सत्य है। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक चला। तो शांतिपूर्वक नहीं चला था, कहीं पर हम लोग क्या कर दे रहे थे, कचहरी को जला दे रहे थे, कभी हम नगर पालिका को जला दे रहे थे, ट्रेन के डिब्बे काट दे रहे थे, टेलीफोन के तार काट दे रहे थे। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, हिंसक घटनाएं भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो ये कथन भी क्या है, गलत है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन भी पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन भी पढ़ेंगे, तब इस पर और विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है? ठीक है, क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में कौन सा जो कथन है वो सत्य है? महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए थे। दूसरा, उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। तीसरा, उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया। और चौथा, उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन में समर्थन देने की प्रार्थना की। ठीक है, इनमें से कौन सा जो कथन है वह सत्य है महात्मा गांधी के प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा से? ठीक है, जल्दी से आप अपना इसको आंसर लगाएं। लगा लिया आपने आंसर? नहीं लगाया है तो चलिए पढ़ते हैं किसके बारे में, गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के बारे में। हेडिंग डालेंगे आप क्या, गांधी जी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा, प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा। ठीक है, किसकी प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा, तो गांधी जी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के बारे में क्या करते हैं हम एक पूरा अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी छत्तीसगढ़ कब आए थे, तो आप बताएंगे 20 और 21 दिसंबर 1920 को गांधी जी कहां आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, कहां आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे। उनके छत्तीसगढ़ आने का उद्देश्य, तो अभी मैंने बताया आपको कि इनको लेने के लिए कौन गए थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा इनको लेने गए थे। कहां लेने गए थे, तो कलकत्ता लेने गए थे। क्यों, ताकि वो क्या कर सके, कंडेल नहर सत्याग्रह का नेतृत्व उनको सौंप सके। ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह के संचालन की सारी दायित्व किनको सौंप सके, तो गांधी जी को सौंप सके। तो कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेना इनका एक उद्देश्य था, कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने, कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने, और दूसरा असहयोग आंदोलन का प्रचार करने। कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने और दूसरा क्या, असहयोग आंदोलन का प्रचार करने। ठीक है, इनके साथ कौन कौन आए थे, तो एक तो राष्ट्रीय नेता मौलाना शौकत अली इनके साथ आए थे, मौलाना शौकत अली। और दूसरा नाम आप बताएंगे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा इनको लेने गए थे ना, तो लेने गए थे तो वो भी इनके साथ आए, तो दूसरा नाम आप क्या बताएंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा भी क्या थे, तो इनके साथ आए थे। ठीक है, इनकी यात्रा कहां से शुरू हुई, तो यात्रा इनकी शुरू हुई, हमको पता है कि इनको लेने के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा कहां गए थे, तो कलकत्ता गए थे। तो इनका आगमन छत्तीसगढ़ में कहां से हुआ, तो इनका आगमन कलकत्ता से हुआ। ठीक है, फिर इनकी रवानगी, ठीक है, गए कहां यहां से, तो ये गए नागपुर। ठीक है, कहां गए, तो ये यहां से गए नागपुर। ध्यान में रखिएगा इस बात को, अभी नागपुर को मैं असहयोग आंदोलन में कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। फिर इनके साथ जब ये आते हैं छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इनके सारथी, इनके ड्राइवर कौन थे, तो इनके सारथी थे हजारी लाल जैन। ठीक है, कौन थे, तो हजारी लाल जैन क्या थे, इनके सारथी थे। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ये कब कब कहां कहां यात्रा किए। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सबसे पहले ये आए कहां पे, रायपुर। ठीक है, रेल से आए, ट्रेन से, और ट्रेन से आने के बाद ये सबसे पहले कहां उतरते हैं, तो ट्रेन से आने के बाद ये सबसे पहले रायपुर में उतरते हैं। ठीक है, रायपुर पहुंचने पर किस दिन पहुंच रहे हैं रायपुर, ये तो ये पहुंच रहे हैं 20 दिसंबर
1920 को, ठीक है, कहाँ पहुंचे, तो रायपुर पहुंचे। रायपुर जब पहुंचे तो इनका स्वागत होगा, है ना। आजकल तो हर छोटे मोटे नेता, हर गली में जो दूसरा युवा नेता है उसके भी स्वागत करने के लिए 4-5 लोग खड़े रहते हैं ना, तो यहाँ पे तो गांधी जी आ रहे हैं तो गांधी जी के स्वागत करने के लिए सोचो कितनी भीड़ होगी, है ना। जब अभी क्या होता है तो एक छोटा मोटा युवा नेता, कोई कहीं का अध्यक्ष, कोई कहीं का सचिव, वो भी आता है तो उसके भी समर्थन में 4 लोग क्या रहते हैं, हमारे बेरोजगार भाई लोग नारा लगाने के लिए खड़े रहते हैं। तब यहाँ पर कौन आ रहे हैं भैया, तो यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए एक विशाल भीड़ होगी। तो इनका स्वागत सबसे पहले कहाँ किया जा रहा है, तो ट्रेन से आ रहे हैं तो रायपुर रेलवे स्टेशन में क्या किया जा रहा है, इनका स्वागत किया जा रहा है रायपुर रेलवे स्टेशन में। क्या होता है, इनका स्वागत होता है, कौन करता है इनका स्वागत, तो इनके स्वागत करता रहते हैं स्वागत करता। पहला आप ध्यान में रखना रायपुर की जनता, ठीक है, रायपुर के लोग उत्साहित थे गांधी जी आ रहे हैं करके, तो रायपुर की जनता के द्वारा क्या किया जाता है, तो गांधी जी का स्वागत किया जाता है। और दूसरा वो कंडेल के ग्रामीण जो अति प्रसन्न थे किसके आने से, गांधी जी के आने से, क्यों, क्योंकि उनके आने की सूचना मात्र से ही अंग्रेज क्या कर दिए थे, तो जो कंडेल के ग्रामीण थे उनके ऊपर जो जुर्माना था 4,033 रुपए का उसको माफ कर दिए थे, साथ ही उनकी मवेशियों को भी क्या कर दिए थे, लौटा दिए थे। तो वो भी क्या थे, यहाँ पर उपस्थित थे रायपुर रेलवे स्टेशन में अपनी खुशी के साथ, अपनी खुशी भरी सूचना के साथ। तो दूसरे स्वागतकर्ता कौन है, तो कंडेल ग्राम के ग्रामीण, कंडेल के ग्रामीण, ठीक। अब इनको सूचना क्या दी जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पर इनको एक सूचना मिलती है क्या कि कंडेल नहर सफल रहा, ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह जो है वो क्या रहा, सफल रहा, कंडेल नहर सत्याग्रह की सफलता, कंडेल नहर सत्याग्रह के सफलता की सूचना दी जाती है इनको कहां पर, तो रायपुर के रेलवे स्टेशन में। कौन लोग सूचना दे रहे हैं, तो कंडेल के ग्रामीण सूचना दे रहे हैं कि आपके आने से पहले ही बापूजी आपका क्या है, खौफ ही इतना है कि अंग्रेज क्या कर दिया, आपके आने से पहले ही हमारी सारी मांगे मान ली, हमारा सत्याग्रह क्या रहा, सफल रहा, ठीक है, गांधी जी को बताया गया। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया, भाषण दिया, ठीक है, कहां पर, तो गांधी चौक रायपुर में, ठीक है, गांधी चौक रायपुर में क्या किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा भाषण दिया गया, ठीक है, लोगों को प्रेरित किया गया कि आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, अभी असहयोग आंदोलन हम शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं और उस असहयोग आंदोलन में भी क्या चाहिए मुझे, आप सबकी उपस्थिति चाहिए, जैसे मुझे क्या चाहिए इस MCQ सीरीज में आप सबकी उपस्थिति पूरे सीरीज के खत्म होते तक चाहिए, ठीक है, लगातार आप जुड़िए हमसे और लगातार पढ़ते रहिए और अपने तैयारी को एक नया आयाम आप देते रहिए, ठीक है। तो अपील किए थे कौन, गांधी जी, कि आप सब क्या करें, असहयोग आंदोलन में भाग लें, असहयोग आंदोलन में भाग लेंगे तो मेरा लक्ष्य है कि एक साल के अंतर्गत इस आंदोलन के जरिए मैं क्या कर दूंगा, संपूर्ण भारत को ब्रिटिशर्स की दासता से मुक्त करवा दूंगा, ठीक है, ये कथन रहता है किसका, गांधी जी का, कि मैं एक साल में क्या करूंगा, तो गांधी जी के द्वारा कथन रहता है एक साल में मैं स्वाधीनता दिलाऊंगा किसको, भारत को, इन अंग्रेजों की गुलामी से, आप क्या कीजिए मेरा साथ दीजिए, ठीक। तो ये क्या हुआ, 20 दिसंबर की घटना हो गई, कहां पर, तो रायपुर में, ठीक है। इसके बाद जो गांधी जी हैं वो बाइक कार, ठीक है, रायपुर से बाइक कार पहुंचते हैं कहां, धमतरी, ठीक है, रायपुर से कहां पहुंचते हैं ये, धमतरी, ठीक है, धमतरी कब पहुंच रहे हैं, तो धमतरी पहुंचने का समय है 21 दिसंबर 1920 को, ठीक है, 21 दिसंबर 1920 को ये कहां पहुंच रहे हैं, धमतरी पहुंच रहे हैं बाई कार, और इनके ड्राइवर कौन, तो वही हजारीलाल जैन जी क्या हैं, इनके ड्राइवर हैं। बाई कार कहां पहुंच गई है, तो बाई कार पहुंच गए धमतरी, धमतरी से ने इनका स्वागत, ठीक है, धमतरी में इनका स्वागत होता है मकई बंद चौक में, ठीक है, कौन से चौक में, मकई बंद चौक में, मकई बंद चौक में क्या होता है, इनका स्वागत होता है। इसके उपरांत गांधी जी को भाषण देने के लिए कहा जाता है, गांधी जी
है ना, आपका वाणी सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं, हमारे लोगों के कान तरस रहे हैं गांधी जी, आप क्या कर दीजिए, तो दो चार मीठे वाणी बोल दीजिए किसके लिए, तो हमारी जनता के लिए, साथ ही थोड़ा सा गरिया भी देना किसको, तो अंग्रेजों को, जिससे हमारी जो जनता है वो क्या हो सके, लगातार उत्साहित रह सके कि वो भी क्या करें कि धीरे धीरे हम भी अंग्रेजों को ऐसी गरियाते रहेंगे और गरिया कर क्या कर देंगे, यहां से वापस भेज देंगे। ठीक है, तो भाषण दिया गया है, ठीक है, भाषण कार्यक्रम कहां पर रखा गया था इनका, तो जानी हुसैन के बाड़ा में, ठीक है, कहां, तो जानी हुसैन का बाड़ा, ठीक है, जानी हुसैन के बाड़ा में कहा जाता है 1500 लोग उपस्थित थे, ठीक है, कितने लोग, तो 1500 लोग उपस्थित थे, मतलब अच्छी खासी भीड़ थी, है ना, अच्छी खासी भीड़ होने के कारण जो महात्मा गांधी है इनको भाषण देने के लिए मंच तक, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम आता है उमर सेठ, ठीक है, क्या नाम है, तो उमर सेठ, ये जो उमर सेठ थे ये कौन थे, तो एक तो जानना कि ये गुरूर के कच्छा व्यापारी थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया भैया, गुरूर के कच्छा व्यापारी, ठीक है, कौन थे ये, तो ये गुरूर के कच्छा व्यापारी थे, ये क्या करते हैं, उमर सेठ गांधी जी को अपने कंधे पर बिठाकर, गांधी जी को अपने कंधे पर बिठाकर मंच पर ले गए थे, ठीक है, कहाँ ले गए थे, तो मंच पर ले गए थे, ठीक है, कौन, तो उमर सेठ जी गांधी जी को अपने कंधे पर बिठाकर मंच पर ले गए थे, क्यों, क्योंकि भीड़ ज्यादा हो गया था, गांधी जी को कोई जाने नहीं दे रहा था, सब उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, सब जाकर पैर छू रहे थे, गांधी जी नमस्कार, गांधी जी प्रणाम, ठीक है, तो गांधी जी को जाने में क्या हो रहा था, दिक्कत हो रहा था भाषण वाले मंच तक, अब मंच तक जाएंगे नहीं तो भाषण देंगे कैसे, है ना, अब हम भारतीय क्या रहते हैं, भावुक रहते हैं, ठीक है, जो हमारे आइडियल रहते हैं, जो हमारे आदर्श रहते हैं उनके प्रति हम क्या हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो सभी लोग अपने समर्पण भाव से क्या हो रहे थे, गांधी जी से मिलना चाह रहे थे, तो गांधी जी कहाँ नहीं पहुंच पा रहे थे, मंच तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उमर सेठ जो रहते हैं वो क्या कर लेते हैं, उनको अपने कंधे पर उठा लेते हैं, अब कंधे पर उठा लेते हैं उमर सेठ, तब क्या हो गया, थोड़े ऊंचे हो गए गांधी जी, है ना, कंधे में बैठे हैं तो सबको दिख रहा है, तो सबको ऐसे यस यस मैं आ गया हूं यहां पर, ठीक, ऐसा क्या करते हैं, सबको हाई फाई देते हैं, ठीक है, आ गया हूं, जा रहा हूं भाषण वाले मंच पे, फिर क्या करूंगा भाई, भाषण दूंगा, भाषण दिए, भाषण से सब खुश हो गए, भाषण के बाद गांधी जी के भोजन की व्यवस्था, ठीक है, गांधी जी के भोजन की व्यवस्था की गई थी नत्थू जी जगताप के घर, ठीक है, भोजन की व्यवस्था कहां की गई थी, तो नत्थू जी जगताप के घर भोजन की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, भोजन के, ठीक, अब सुबह से निकले थे ना बेचारे, सुबह से निकले थे, दिन भर घूम रहे हैं, ठीक है, कहां, रायपुर से आ रहे हैं धमतरी, फिर यहां पर रुक रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, ठीक है, गांधी जी भूखा गए थे बेचारे, है ना, तब गांधी जी के लिए क्या किया गया, भोजन की व्यवस्था किया गया कहां पर, नत्थू जी जगताप के घर में, ठीक है, और भोजन उपरांत फिर इनको राशि, ठीक है, राशि लड़की नहीं है ना भाई, ठीक है, लड़की मतलब, ठीक है, राशि मतलब अमाउंट, कैश, ठीक है, अमाउंट, राशि दिया जाता है तिलक स्वराज्य फंड हेतु, तिलक स्वराज्य फंड हेतु 501 रुपए बाजीराव कृदंत देते हैं, ठीक है, कौन देते हैं, तो बाजीराव कृदंत 501 रुपए क्या करते हैं, गांधी जी को देते हैं किसके लिए, तो तिलक स्वराज्य फंड के लिए, क्लियर है, समझ में आ गया, इसके बाद गांधी जी जो थे वो क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, और इनके विश्राम की व्यवस्था की गई थी नारायण राव मेघावाले के घर में, ठीक है, कहां, नारायण राव मेघावाले, इनके घर क्या करते हैं, गांधी जी विश्राम करते हैं, ठीक है, इसके बाद जो गांधी जी हैं वो धमतरी से फिर कहां आने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो धमतरी से फिर रायपुर आने के लिए गांधी जी क्या होते हैं, आगे आते हैं, और जब रायपुर जाने के लिए वो आते रहते हैं तो इनको रास्ते में एक जगह रुकते हैं जिसका नाम है कुरुद, ठीक है, क्या नाम है जगह का, कुरुद, और कुरुद में रुक कर गांधी जी पहले आम सभा को संबोधित करते हैं, आम जनता को संबोधित करते हैं, आम सभा को क्या किया इन्होंने, संबोधित किया, और संबोधित करने के उपरांत फिर गांधी जी पहुंचते हैं कहां, पुनः रायपुर पहुंचते हैं, ठीक है, पुनः कहां पहुंचते हैं, रायपुर, कब पहुंच रहे हैं, तो
21 दिसंबर 1920 को ही ये कहां पहुंच गए, फिर से रायपुर पहुंच गए। और रायपुर के अंतर्गत एक जगह है ब्राह्मण पारा, ठीक है, कौन सा जगह, तो ब्राह्मण पारा। इस ब्राह्मण पारा के अंतर्गत एक जगह है आनंद समाज वाचनालय, आनंद समाज वाचनालय, ठीक। इस आनंद समाज वाचनालय में जो गांधी जी थे, इन्होंने महिलाओं को संबोधित किया, ठीक है, और महिलाओं को भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए क्या किया, प्रेरित किया, ठीक है। साथ ही तिलक स्वराज्य फंड के लिए दान देने की भी क्या की, इन्होंने अपील की, ठीक है, महिलाओं को संबोधन, ठीक है, महिलाओं को क्या किया गया, संबोधित किया गया गांधी जी के द्वारा। तब जो रायपुर की महिलाएं हैं, उन्होंने तिलक स्वराज्य फंड हेतु 2000 रुपए प्लस गहने क्या किए थे, गांधी जी को भेंट किए थे, ठीक है, गांधी जी को भेंट। गहने क्या किए थे, तो गांधी जी को भेंट किए थे। किसने भेंट किया था, तो रायपुर की महिलाओं ने भेंट किया था, ठीक है। इस पूरे क्रम को आप क्या करेंगे, एक साथ आप बिल्कुल याद करके रखेंगे इसको, ठीक है, एक साथ ध्यान में रखना। गांधी जी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा, गांधी जी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के अंतर्गत कब वो आए, उद्देश्य क्या था, उनके साथ में कौन आए, यात्रा में कौन कौन साथ थे, ठीक है, सारथी कौन है, फिर रायपुर के अंतर्गत उनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया, धमतरी के अंतर्गत क्या क्या कार्य किया गया, है ना, फिर धमतरी से आते हुए कुरुद में वो रुकते हैं, फिर रायपुर आते हैं तब क्या करते हैं, तो इन सभी चीजों को क्या करना, आप बिल्कुल ध्यान रखना इसको, ठीक है। और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ नहीं डाउनलोड करोगे तो अभी क्या करें, इसी के साथ में आप बिल्कुल लिखते हुए चले इसको, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, अपना क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा के संबंध में सत्य है। महात्मा गांधी सितंबर 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ रायपुर आए थे, नहीं, अभी हमने देखा था कि महात्मा गांधी जो थे वो सितंबर में नहीं आए थे, वो कब आए थे, तो वो दिसंबर में आए थे, इसलिए कथन क्या हो जा रहा है आपका, गलत हो जा रहा है। दूसरा, उनकी छत्तीसगढ़ यात्रा का उद्देश्य क्या था, असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना, बिल्कुल यह कथन सही है, असहयोग आंदोलन के वो क्या चाह रहे थे, तो लोगों का समर्थन वो चाह रहे थे, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहे हैं, उन्होंने कंडेल ग्राम जाकर नहर के लिए सत्याग्रह करने वालों का समर्थन किया, तो अभी हमने पढ़ा था कि उनके आने से पहले ही क्या कर दिया जाता है, रायपुर के डिप्टी कमिश्नर के द्वारा ग्रामीणों की सभी मांग मान कर सत्याग्रह को समाप्त कर दिया जाता है, तो गांधी जी कंडेल ग्राम नहीं जानते हैं, ठीक है, वो कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए आए जरूर रहते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही कंडेल नहर सत्याग्रह क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक। फिर उन्होंने लोगों से खिलाफत आंदोलन में समर्थन की प्रार्थना की, ये कथन भी गलत है, खिलाफत आंदोलन 1919 का समय का है, और जब गांधी जी 1920 में आते हैं दिसंबर के महीने में, तो उनका मेन उद्देश्य क्या रहता है, तो असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करना, इसलिए आंसर क्या होगा आपका, बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सन 1920 में महात्मा गांधी इस राज्य की यात्रा के समय उनके साथ एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका नाम था, ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कौन कौन दो लोग आए थे, तो मौलाना सकुदत अली और पंडित सुंदरलाल शर्मा, तो सुंदरलाल शर्मा तो छत्तीसगढ़ के यही के प्रॉपर नेता थे, तो आंसर क्या होगा आपका, मौलाना सौकत अली इसका सही आंसर होगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा सही कथन सही है, 20 दिसंबर को महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ के रायपुर में आगमन हुआ, दूसरा 21 दिसंबर को वे धमतरी पहुंचे, 21 दिसंबर को वे धमतरी पहुंचे और वहां एक जनसभा को संबोधित किया, रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं की सभा को संबोधित किया। तो हमने देखा था अभी कि 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी क्या हुए थे, छत्तीसगढ़ आए थे, रायपुर आए थे, 21 दिसंबर को धमतरी गए थे, बिल्कुल गए थे, ठीक है, और 21 दिसंबर को ही फिर रायपुर आकर उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में क्या किया था, महिलाओं को संबोधित किया था। तो तीनों कथन क्या है आपके, सही है, तो 1, 2 एवं 3 सही है, ठीक है, 1, 3, 3 हो गया है यहाँ पे, इसको आप सुधार लें, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 सभी जो कथन है वो क्या है, सत्य है। अगला,
खाली स्थान से जुड़े जन आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने 1920 में पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। ठीक है, कौन से आंदोलन से जुड़े जन आंदोलन के बाद महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ आए थे? तो अंग्रेजों द्वारा बीजापुर शासक की गिरफ्तारी, गलत। ठीक है, कोई मतलब नहीं हमको बीजापुर शासक से क्या होना है। ठीक है, रायपुर के मोहारा क्षेत्र में खनन पर रोक, यह भी गलत है। धमतरी में कंडेल नहर सत्याग्रह पर कर आरोपण। ठीक है, यही वो कारण था जिसके कारण गांधी जी क्या हुए थे, तो गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका आंसर हो जाएगा। चौथा, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था? ठीक है, अब ये कहां पर आ गया? असहयोग आंदोलन में आ गया। ठीक है, इसका आंसर आप लगाएं, फिर मैं आपको असहयोग आंदोलन पढ़ाता हूं। जल्दी से आप आंसर लगाएं। लगा लिया आपने आंसर? चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। हेडिंग डालेंगे आप असहयोग आंदोलन एवं छत्तीसगढ़। असहयोग आंदोलन एवं छत्तीसगढ़। ठीक, असहयोग आंदोलन का समय क्या? तो समय आप बताएंगे 1920-21। ठीक है, 1920 के लास्ट में क्या होता है, शुरू होता है, पूरे 1921 तक क्या होता है, चलता है। नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी। उद्देश्य क्या था? तो पहला आप बताएंगे, भारत के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास, ठीक, भारत के लोगों में क्या करना, राष्ट्रीय चेतना का विकास करना। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, ब्रिटिश सरकार का विरोध, विरोध कैसे, तो सरकार को असहयोग करके, सरकार को असहयोग। ठीक, कैसा असहयोग? तो गांधी जी को ये चीजें समझ में आ चुकी थी कि ब्रिटिशर्स यहां पर हैं क्यों, तो यहां के संसाधन का उपयोग करना चाह रहे हैं, अपने संसाधनों को क्या करना चाह रहे हैं, यहां पर लाकर बेचना चाह रहे हैं, अपनी संस्कृतियों को यहां अपनाना चाह रहे हैं। तो बोले कि अगर इनका यही उद्देश्य है तो हम क्या करते हैं, इनसे लड़ क्यों रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम इनसे क्या करते हैं, इनका असहयोग करते हैं। इनको क्या करना है, अपनी शिक्षा हमारे ऊपर लादनी है, अंग्रेजी शिक्षा लेकर आए हैं ये, हम इनके शिक्षा का ही त्याग कर देंगे। इनको बिजनेस करना है, यहां पर व्यापार करना है, अंग्रेजी सूट बूट पहनाना है लोगों को यहां पर, हम क्या करते हैं, इनके कपड़ों का भी बहिष्कार करते हैं, इनके व्यापार का बहिष्कार करते हैं, हम खुद का अपना व्यापार करेंगे। ठीक है, ऐसे सभी चीजों में इनको क्या करनी है, ये यहां पर शासन करना चाहते हैं। ठीक, इनकी शासन व्यवस्था ठप कर दो, न्याय करना चाहते हैं ये, न्याय व्यवस्था ठप कर दो, सारे वकील लोग क्या कर दो, अपनी अपनी उपाधि त्याग दो। ठीक है, अपनी वकालत छोड़ दो। ठीक, तो ऐसे क्या करना है, इनके द्वारा जो भी नीति, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं उसको क्या नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे। ठीक, और अपनी एक नई व्यवस्था शुरू करेंगे। अब इनके द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई है उसका आप त्याग करेंगे, और उसका त्याग करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन व्यवस्थाओं का एक सब्स्टिट्यूट, एक पूरक आपको ढूंढना पड़ेगा। तो उनके चीजों को त्याग कर रहे हैं तो हम अपनी चीजों का क्या करेंगे, अपनाएंगे। उनकी न्याय व्यवस्था का ठप कर रहे हैं, हम अपनी न्याय व्यवस्था बनाएंगे। उनकी अंग्रेजी शिक्षा को व्यवस्था कर रहे हैं तो हम अपने राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करेंगे। ठीक है, उनके कपड़ों का हम बहिष्कार कर रहे हैं, हम लोग यहां पर खादी को बढ़ावा देंगे, स्वदेशी को बढ़ावा देंगे। ऐसे सारे क्या रखे गए यहां पर, अपने उद्देश्य रखे गए थे। ठीक है, किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा। अब इससे संबंधित अधिवेशन देख लेते हैं कि किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था। ठीक, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और इसका अधिवेशन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के आप दो अधिवेशन याद रखना, पहला 4-9 सितंबर 1920, यह अधिवेशन होता है कलकत्ता में, और इस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं लाला लाजपत राय। ठीक है, कौन थे, लाला लाजपत
राय इसके अध्यक्ष है, ठीक है। इस कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक है। क्या हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, ठीक है। पारित हो गया प्रस्ताव। इसके बाद एक अधिवेशन और याद रखना आप, 26 दिसंबर 1920 को अधिवेशन हुआ नागपुर में, ठीक है। और इस नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी, ठीक है। कौन थे? विजय राघवाचारी क्या थे? तो इस नागपुर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। और विजय राघवाचारी के अध्यक्षता में नवीन संशोधनों के साथ प्रस्ताव पारित हुआ। नवीन संशोधनों के साथ क्या हुआ? तो प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ। क्लियर है? समझ में आ गया, ठीक है। अब नवीन संशोधन क्या किए गए? तो वही सारी कणिकाएं जोड़ी गई कि हमको क्या करना है, अगर ये आंदोलन हम चलाएंगे तो हमारा आंदोलन कैसे लंबा चलेगा, ठीक है। कैसे कैसे हम ब्रिटिश सरकार का विरोध करेंगे, कैसे कैसे हम नीतियां बनाएंगे, उन नीतियों का पालन कैसे करेंगे, इन सब के संबंधित क्या किया गया? तो इन सब के संबंधित जो प्रावधान है वो क्या किए गए? इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में जोड़े गए। और जोड़ने के बाद पुनः इसको पारित किया गया, कब? तो नागपुर अधिवेशन में, है ना। अब नागपुर अधिवेशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के भी क्या हुए थे? कुछ नेता भाग लिए थे। छत्तीसगढ़ के क्या हुए थे? तो कुछ नेताओं ने भाग लिया था, जैसे रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, पंडित शुक्ल ने। इसके अलावा वामन राव लाखे जी, सीएम ठक्कर, इन्होंने भाग लिया, ठीक। रायपुर के अलावा धमतरी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, नथू जी जगताप, ठीक। इसके अलावा राजिम से पंडित सुंदरलाल शर्मा, बिलासपुर ई राघवेंद्र राव, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, ठीक। और एक राजनांदगांव लिख लेना आप, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र, ठीक है। इन व्यक्तियों ने क्या किया था? तो नागपुर अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। क्या किया था? तो नागपुर अधिवेशन में भाग लिया, नागपुर अधिवेशन में भाग लिया। अब नागपुर अधिवेशन के अंतर्गत जो जो नीतियां बताई गई, रणनीतियां बताई गई, उन नीतियों रणनीतियों को या असहयोग आंदोलन की नीतियों को छत्तीसगढ़ में आकर इन सभी नेताओं ने क्या किया? जन जन तक प्रचारित किया कि हमको असहयोग आंदोलन के अंतर्गत कैसे कैसे ब्रिटिश सरकार का विरोध करना है, कैसे कैसे अपनी नीतियों का पालन करना है, कैसे हमको अपने आंदोलन को आगे बढ़ाना है, ठीक। अब क्या क्या निर्धारित किया गया था, कौन कौन से कार्य निर्धारित किए गए थे असहयोग आंदोलन में, तो आप जानना असहयोग आंदोलन के अंतर्गत दो तरह के कार्य निर्धारित किए गए थे, ठीक। पहला था आपका नकारात्मक कार्य और दूसरा था रचनात्मक कार्य, ठीक है। दूसरा क्या था? रचनात्मक कार्य। पहला नकारात्मक कार्य और दूसरा रचनात्मक कार्य, ठीक है। नकारात्मक कार्य के अंतर्गत क्या करेंगे? तो हम उपाधियों का त्याग कर देंगे, ठीक है। जो भी उपाधि दी जा रही है उसको क्या कर देंगे हम? उपाधियों का त्याग, उपाधियों के अलावा सरकारी सेवा का त्याग कर देंगे,
सरकारी सेवा का त्याग, ठीक, सरकारी सेवा के अलावा हम वकालत का त्याग कर देंगे, ठीक, वकालत का त्याग आप कर दिए तो वकालत के साथ साथ में मैं फिर क्या कर रहा हूं, तो चुनाव एवं काउंसिल का भी बहिष्कार कर दूंगा मैं, चुनाव एवं काउंसिल का बहिष्कार, ठीक, तो चुनाव एवं काउंसिल का बहिष्कार। इसके अलावा मद्यपान निषेध, मद्यपान निषेध करेंगे हम, ठीक, अंग्रेज आकर हमको यहां पर दारू पिला रहे हैं, ठीक है, दारू के दुकान को इनको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। गांधी जी का ये क्या रहता है, रणनीति रहता है। तो मेरे को कोई लाइव में पूछ रहा था एक दिन कि सर दारू छत्तीसगढ़ में बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो भैया महात्मा गांधी के अनुसार तो होना चाहिए, ठीक है, अपनी पर्सनल राय मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन महात्मा गांधी के अनुसार क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और आप भी अगर महात्मा गांधी के समर्थक हैं, महात्मा गांधी के विचारों के समर्थक हैं, तो आप एक लेटर लिखिए सीएमओ में, ठीक है, सीएमओ ऑफिस में क्या बताएं आप कि महात्मा गांधी चाहते थे कि क्या होना चाहिए, तो शराब बंद होना चाहिए पूरे भारत के अंतर्गत, तो छत्तीसगढ़ शासन जी काका जी हमारे क्या कर सकते हैं आप, तो आप भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत तो शराबबंदी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। गांधी जी का क्या कथन है, तो गांधी जी का कथन है कि मद्यपान निषेध यहां होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा का त्याग करेंगे हम, अंग्रेजी शिक्षा का त्याग, ठीक है। ये सब क्या थे, नकारात्मक कार्य थे, मतलब आपको दिख रहा होगा जो भी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं हैं, जो भी उनके द्वारा संचालित व्यवस्थाएं हैं, उसको क्या करेंगे हम, त्याग देंगे, जिससे क्या होगा उनकी व्यवस्थाएं ठप पड़ जाएगी। अब उनकी व्यवस्थाओं को आप त्यागेंगे तो आपको अपनी व्यवस्थाएं चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब का सब्स्टिट्यूट, इनका पूरक ढूंढना पड़ेगा। तो रचनात्मक कार्य के अंतर्गत हम क्या कर रहे थे, इनका पूरक ढूंढ रहे थे, ठीक है। अब जैसे वकालत का त्याग आप कर दिए, वकालत का त्याग हो गया मतलब न्याय व्यवस्था ठप पड़ गई। अब न्याय व्यवस्था ठप पड़ गई तो यहां पर क्या किया जाएगा, हमारे द्वारा राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना की जाएगी, ठीक है, क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना, राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना पहला। दूसरा, आप क्या बोल रहे हैं, अंग्रेजी शिक्षा का त्याग करेंगे, तो अंग्रेजी शिक्षा का त्याग करेंगे तो हम लोग गंवार तो बने नहीं रह सकते, तो हमको अपनी शिक्षा देनी पड़ेगी। तब उसके लिए हमारे द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, ठीक है, क्या किया गया, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई, ठीक है। अब विदेशी वस्तुओं का हम बहिष्कार कर रहे हैं, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो अब विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहे हैं तो अब भाई निर्वस्त्र तो नहीं घूम सकते ना, तो क्या करना पड़ेगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, तो कपड़ा पहनना पड़ेगा, तो कैसा कपड़ा पहनेंगे हम, तो खादी से कपड़े बनाएंगे, ठीक है, किससे कपड़े बनाएंगे, तो खादी को बढ़ावा देंगे हम। खादी को बढ़ावा देने के साथ साथ और क्या कर सकते हैं हम, तो स्वदेश निर्मित जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम अपनाएंगे, तो स्वदेशी को बढ़ावा, ठीक, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, ठीक, ये सारे क्या रखे गए, तो असहयोग आंदोलन के अंतर्गत मुख्य रूप से कार्य निर्धारित किए गए थे कि हमको ये कार्य करने हैं, ठीक है, और लगातार इन कार्य को करते हुए आगे बढ़ना है। अंग्रेज क्या होंगे, ऑटोमेटिक भारत छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है, ये क्या रहता है, गांधी जी का उद्देश्य रहता है, ठीक है, इसीलिए वो कह रहे थे कि इन सभी चीजों का पालन हम क्या होंगे, लगातार करते रहेंगे तो क्या होगा, अंग्रेज ऑटोमेटिक यहां से चले जाएंगे और एक साल के अंतर्गत क्या होगा, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा, ठीक है। अब देखे क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसने क्या किया है, तो बैरिस्टर नागेंद्रनाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया, ठीक है, मतलब नकारात्मक कार्य के अंतर्गत देखा जा रहा है यहां पे, तो कौन से उपाधि का त्याग जो है वो बैरिस्टर नागेंद्रनाथ डे जी ने किया था, ठीक है, तो बैरिस्टर जो नागेंद्रनाथ डे थे उन्होंने राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था, ठीक है, कौन सी उपाधि का त्याग किया था, राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया था, ठीक। खान साहब जो दिख रहे हैं आपको, तो एक व्यक्ति थे काजी शमशेर खान, काजी शमशेर खान,
इन काजी शमशेर खान जी ने क्या किया था, तो खान साहब की उपाधि का त्याग किया था। बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने राय बहादुर की उपाधि का त्याग, ठीक है, राय साहब की उपाधि का त्याग। वामन राव लाखे, सेठ गोपी किशन, वामन राव लाखे, सेठ गोपी किशन, मुरारजी थेकर, इन्होंने राय साहब की उपाधि का त्याग किया। अब एक पॉइंट आप ध्यान रखना है, जो लोकप्रिय दिख रहा है आपको, तो जब वामन राव लाखे ने क्या कर दिया था, अपनी राय साहब की उपाधि का त्याग कर दिया था, तो रायपुर की जनता ने उन्हें क्या किया था, तो रायपुर की जनता ने वामन राव लाखे को लोकप्रिय की उपाधि दी थी। ठीक है, कौन सी उपाधि दी थी, तो लोकप्रिय की उपाधि दी थी कब, जब वामन राव लाखे ने राय साहब की उपाधि का त्याग कर दिया था। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया था। ठीक है, दुर्ग के किन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया था, रामदयाल तिवारी ने, घनश्याम सिंह गुप्त ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, रत्नाकर झा ने, किसने दुर्ग के अंतर्गत वकालत का त्याग किया था, अ ब स ने, ब स द ने, अ और ब ने, और ब और द ने, किसने किसने किया था, तो क्या, तो दुर्ग के अंतर्गत वकालत का त्याग। जल्दी से आप अपना आंसर दें, यहां पे जल्दी से आप अपना आंसर लगाएं। लगा लिया आपने आंसर, तो देखें ये जो रामदयाल तिवारी देख रहे हैं आप, ये रायपुर के वकील थे। ठीक है, कहां के वकील थे, तो इन्होंने रायपुर से क्या किया था, तो वकालत का परित्याग किया था, साथ ही रायपुर से, रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल और यादव राव देशमुख, यादव राव देशमुख, इन्होंने क्या किया था, तो वकालत का त्याग किया था। ठीक है, अब जो आयोग है वो इसका आंसर 2020 के अंतर्गत प्यारेलाल सिंह, रत्नाकर झा और घनश्याम सिंह गुप्त को लिया है। मतलब इसका आंसर क्या लिया है, ब स एवं द को आंसर लिया है। ठीक है, लेकिन हमको पता है कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह कहां के मुख्य नेता है, राजनांदगांव के मुख्य नेता है। आयोग का यह कथन है कि ठीक है वो राजनांदगांव के मुख्य नेता है, लेकिन उन्होंने अपनी वकालत कहां कर रहे थे, तो वो अपनी वकालत दुर्ग कोर्ट में कर रहे थे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या लिया गया है, घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और रत्नाकर झा। एक्चुअल घनश्याम सिंह गुप्त और रत्नाकर झा कहां के नेता थे, तो ये दुर्ग के नेता है, और राजनांदगांव के अंतर्गत ये कौन आपके, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, साथ ही राजनांदगांव से बलदेव प्रसाद मिश्र। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था, तो वकालत का त्याग किया था। इसके अलावा एक जगह आप देखें, बिलासपुर, बिलासपुर के अंतर्गत ई राघवेंद्र राव, ई राघवेंद्र राव, ठीक है, ई राघवेंद्र राव के अलावा बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल, डी के मेहता और एन आर खान। ठीक, इन लोगों ने क्या किया था, तो अपनी वकालत का त्याग किया था। कहां से, तो बिलासपुर से इन लोगों ने अपनी वकालत का त्याग किया था। क्लियर है, समझ में आ गया। ठीक है, इसके अलावा ये जो राजनांदगांव दिख रहा है आपको, क्या, बलदेव प्रसाद मिश्र और प्यारेलाल सिंह, इसके अलावा गोवर्धन लाल श्रीवास्तव, ठीक, इन सब लोगों ने क्या किया था, अपनी वकालत का त्याग किया था। लेकिन फिर मैं वही बता रहा हूं कि इसका आंसर आयोग के द्वारा क्या लिया गया है, बस एवं द लिया गया है, घनश्याम सिंह गुप्त, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और रत्नाकर झा। ठीक है, मतलब प्यारेलाल सिंह को कहां का माना गया है वकालत की दृष्टि से, तो दुर्ग का माना गया है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अगला बोल रहा है, निम्नलिखित नेताओं में से, निम्नलिखित नेताओं में से किसने असहयोग आंदोलन के समय अपनी सरकारी पदवियों का त्याग नहीं किया। ठीक है, अपनी सरकारी पदवियों का त्याग किसने नहीं किया था, यह पूछ रहा है आपको, सेठ गोपी किशन ने, पंडित रविशंकर शुक्ल ने, काजी शमशेर खान ने, वामन राव लाखे ने। ठीक है, तो इसमें जो सेठ गोपी किशन है, अभी हमने देखा था कि इन्होंने क्या किया था, राय साहब की उपाधि का त्याग किया था,
पंडित रविशंकर शुक्ल ने अपने वकालत का त्याग किया था, काजी शमशेर खान ने खान साहब की उपाधि का त्याग किया था और वामन राव लाखे ने भी राय साहब की उपाधि का त्याग किया था। राय साहब की उपाधि का क्या किया था? त्याग किया था। ठीक, अब आयोग ने इसका आंसर पंडित रविशंकर शुक्ल लिया है। ठीक है, क्या लिया है? पंडित रविशंकर शुक्ल लिया है। ठीक, इसमें एक तो हो सकता है पदवी की बात कर रही, मतलब टाइटल उपाधि जैसी कुछ बात की जा रही होगी, एक ये सोच हो सकता है जिसके कारण क्या किया गया है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल को इसका आंसर लिया गया है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं राय साहब एक उपाधि है, खान साहब एक उपाधि है ना, और राय साहब क्या है, ये क्या है, एक उपाधि है, लेकिन वकालत क्या हो गया, ये एक सरकारी सेवा हो गई। ठीक है, एक सरकारी काम हो गया, इसलिए तीनों में क्या अलग दिख रहा है, चारों में क्या अलग दिख रहा है आपका, तो पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा वकालत का त्याग करना ये अलग दिख रहा है। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है कि इसका आंसर किसको लिया गया है, पंडित रविशंकर शुक्ल को लिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला सूची अ, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन की गतिविधियों को, सूची ब, आंदोलन में शामिल व्यक्तियों से सुमेलित कीजिए। ठीक है, वकालत का त्याग और इधर चार नाम दिया है, राय साहब की पदवी का समर्पण, विधानसभा की सदस्य का त्याग पत्र और रायपुर के रावाभाटा में खादी प्रदर्शन। तो अभी हमने देखा था कि वकालत का त्याग किसने किया था, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने क्या किया था, वकालत का त्याग किया था। राय साहेब की पदवी का समर्पण, तो राय साहेब की पदवी का त्याग किसने किया था, वामन राव लाखे ने किया था। ठीक है, मतलब ए का दो और बी का एक, तो ए का दो कहां पर दिख रहा है, डी में, और बी का एक, तो मतलब डी क्या हो जा रहा है आपका, यहां पर आंसर हो जा रहा है। ठीक, विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र, तो बाजीराव क्रीदन ने क्या किया था, विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दिया था और जो रायपुर का रावा भाटा है वहां पर खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन या खादी प्रदर्शनी श्रीमती अंजुमन बेगम ने क्या किया था, किया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अब देखिए, वकालत का त्याग, राय साहब की पदवी का त्याग, इसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, जो विधानसभा की सदस्यता का त्याग है, जैसे मैंने आपको बताया था कार्य के अंतर्गत जो नकारात्मक कार्य है उसमें चुनाव एवं काउंसिल का भी बहिष्कार करना है, ऐसा क्या था हमारा एक रणनीति था, तो इसके अंतर्गत 1921 में जो ब्रिटिश सरकार रहती है, ब्रिटानी सरकार रहती है, वो क्या करती है, तो वो घोषणा करती है कि जिला परिषद और विधान परिषद के क्या करेंगे हम लोग, चुनाव कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे, तो चुनाव कराएंगे। ठीक है, तो इसमें रायपुर के अंतर्गत, ठीक है, कहां से, तो रायपुर के अंतर्गत दो सीट थे। ठीक, एक था आपका उत्तरी रायपुर, और इस उत्तरी रायपुर के अंतर्गत वर्तमान का आपका रायपुर जिला और बलौदा बाजार जिला। ठीक, वर्तमान का रायपुर और बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत एक सीट था, और दक्षिण रायपुर, दक्षिण रायपुर, ठीक है, इस दक्षिण रायपुर के अंतर्गत महासमुंद और धमतरी, इन दोनों को मिला के क्या था, एक सीट था। तो इस उत्तर रायपुर के अंतर्गत फगुआ रोहिदास क्या होते हैं, चुनाव जीतते हैं, फगुआ रोही दास, और दक्षिण रायपुर के अंतर्गत बाजीराव क्रीदंत, कौन, तो बाजीराव क्रीदंत, ये क्या करते हैं, चुनाव जीतते हैं। तो बाजीराव क्रीदंत चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उसी समय 1921 में क्या हो जाता है, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी होती है, अंग्रेज क्या करते हैं, गांधी जी को गिरफ्तार कर लेते हैं, तो गांधी जी को गिरफ्तार करने के कारण जो बाजीराव क्रीदंत रहते हैं वो अपनी विधानसभा की सदस्यता से क्या कर देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। कौन त्याग पत्र दे देता है, तो बाजीराव क्रीदंत त्याग पत्र दे देते हैं। ठीक है, त्याग कर दिए विधानसभा का, तो विधानसभा का जब त्याग करते हैं तो जो धमतरी की जनता रहती है वो बाजीराव क्रीदंत को लोकप्रिय की उपाधि देती है। ठीक है, किसकी उपाधि देती है, तो लोकप्रिय की उपाधि देती है, किसको, बाजीराव क्रीदंत को। ठीक है, आंसर क्या आपका, तो डी इसका आंसर है। अगला क्या बोल रहा है, राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ के किस जेल में लिखी थी। पुष्प की अभिलाषा नामक जो कविता है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने छत्तीसगढ़ के किस जेल में लिखी थी। जल्दी से आप अपना आंसर दें, लगा लिया आपने आंसर, क्लियर है, लगा लिया। देखिए होता क्या है कि मैं कुछ डेट लिखते जा रहा हूं, आप याद रखेंगे उसको, 12 मार्च, छोड़ो यहां पर नहीं लिखता, पढ़ ही लेते हैं ना इसको। ठीक है, एक डेट याद रखना आपको, क्या,
12 मार्च 1921, ठीक है। इस 12 मार्च 1921 को क्या होता है, तो प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन 12 मार्च 1921 को क्या होता है, तो प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन। कहां पर होता है प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन? तो यह होता है बिलासपुर में, ठीक। कहां पर? तो बिलासपुर में। बिलासपुर के अंतर्गत एक जगह है सनीचरी बाजार, ठीक है। कौन सा बाजार? तो सनीचरी बाजार, ठीक। तो 12 मार्च 1921 को बिलासपुर के सनीचरी बाजार में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के अंतर्गत जो माखनलाल चतुर्वेदी जी रहते हैं, वो क्या करते हैं, तो एक ओजस्वी भाषण देते हैं, एक जोशीला भाषण देते हैं। किसके विरुद्ध? तो अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। जिससे जो जनता रहती है वो अंग्रेजों के खिलाफ क्या होती है, अति उत्तेजित हो जाती है और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, ठीक है। इस कारण से, ठीक है, क्या होता है, इस कारण से 12 मई 1921 को माखनलाल चतुर्वेदी जी को क्या किया जाता है, जबलपुर से गिरफ्तार किया जाता है, ठीक है। कहां से गिरफ्तार किया जाता है? जबलपुर से इनको गिरफ्तार किया जाता है और जबलपुर से गिरफ्तार करने के उपरांत इनको बिलासपुर जेल में कैद किया जाता है, ठीक है। कहां कैद किया जाता है? तो बिलासपुर जेल में कैद किया जाता है। बिलासपुर जेल में क्या किया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कैद किया जाता है, ठीक। अब 12 मई के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद 2 माह क्या होता है, यहां पर मुकदमा चलता है। 2 माह क्या होता है? मुकदमा चलता है। 2 माह मुकदमा चला, ठीक है। कहां पर मुकदमा चलता है? 2 माह। तो इनके लिए 2 माह मुकदमा चलता है और 2 माह के मुकदमे के उपरांत कब, तो 5 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई 1921 को माखनलाल चतुर्वेदी जी को क्या किया जाता है, 8 माह की सजा सुनाई जाती है। 8 माह की सजा, ठीक है। 5 जुलाई 1921 को क्या किया जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को 8 माह की सजा सुनाई जाती है अंग्रेजी शासन के द्वारा, ठीक है। अब ये कौन से जेल में रहते हैं? बिलासपुर जेल में। 8 माह के अंतर्गत कौन से जेल में है? बिलासपुर जेल में। तो अपनी सजा के दौरान जो माखनलाल चतुर्वेदी जी रहते हैं वो बिलासपुर जेल में पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा और पूरी नहीं सुनोगे तान, पूरी नहीं सुनोगे तान, जैसे कविता की क्या करते हैं ये, रचना करते हैं, ठीक है। कविता की क्या करते हैं ये, रचना करते हैं। कौन रचना करते हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी इन कविताओं की रचना करते हैं। कहां पर? तो बिलासपुर जेल के अंतर्गत, ठीक। फिर क्या होता है इसके बाद, 5 जुलाई के बाद एक मार्च 1922 को माखनलाल चतुर्वेदी जी को क्या किया जाता है, तो बिलासपुर जेल से जबलपुर जेल स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। कहां स्थानांतरित किया जाता है? तो बिलासपुर जेल से जबलपुर जेल स्थानांतरित किया जाता है। किसको स्थानांतरित किया जाता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी को बिलासपुर जेल से जबलपुर जेल स्थानांतरित किया जाता है, ठीक। इसके बाद 4 मार्च 1922 को जबलपुर जेल से क्या होता है, तो रिहा होते हैं कौन, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी 4 मार्च 1922 को क्या होते हैं, तो जबलपुर जेल से रिहा होते हैं। देखिए कहां से गिरफ्तार हुए थे,
12 मार्च 1921 प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में क्या किया, एक भाषण दिया गया। भाषण के उपरांत इनको क्या कर लिया जाता है, बिलासपुर के सनिचरी बाजार में क्या किया गया, इनके द्वारा भाषण दिया गया। जिसके बाद भाषण देने के बाद 12 मई 1921 को माखनलाल चतुर्वेदी को जबलपुर से गिरफ्तार, और जबलपुर से गिरफ्तार करने के बाद बिलासपुर जेल में कैद। बिलासपुर जेल में कैद हो गए, 2 माह क्या चला, मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद इनको 5 जुलाई 1921 को क्या किया जाता है, तो 8 माह की सजा सुनाई जाती, ठीक है, क्या किया जाता है, तो 8 माह की सजा सुनाई जाती है। और जब इनको 8 माह की सजा सुनाई जाती है तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने इस गिरफ्तारी के विरोध में सार्वजनिक सभा का आयोजन किया, और सार्वजनिक सभा का आयोजन करके ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था, ठीक। फिर इनको सजा सुना दी गई 8 माह की, 8 माह की सजा, बिलासपुर जेल में रहते हैं। ये एक कविताओं की रचना किए, कविताओं की रचना करने के बाद 1 मार्च 1922 बिलासपुर से जबलपुर को क्या हो जाते हैं, ये शिफ्ट कर दिए जाते हैं। इसलिए 4 मार्च को कहां से रिहा होते हैं, तो जबलपुर से रिहा होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया, तो ये क्लियर हो गया आपका। पुष्प के अभिलाषा कविता जो है इसको छत्तीसगढ़ के किस जेल में लिखा था, तो किस जेल में लिखा था, बिलासपुर जेल में लिखा था। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम कब आए थे, ठीक है। तो ब्रिटिश काल के अंतर्गत जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वो असहयोग आंदोलन में भाग लेने 1921 में क्या हुए थे, छत्तीसगढ़ आए थे। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और सुभद्रा कुमारी चौहान जी भी आई थी। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इन लोग पहले आए, फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन में भाग लेने मौलाना कुतुबुद्दीन, जमुनालाल बजाज, और सेठ गोविंद दास भी आए थे। ठीक, कौन आए थे, तो सेठ गोविंद दास भी यहां आए थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, 1921। और ये सभी नाम याद रखना कि कौन कौन से राष्ट्रीय नेता असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ आए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है, कौन जो है वो राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है। राजूलाल शर्मा, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, और बलदेव प्रसाद मिश्र। ठीक है, इनमें कौन जो है वो राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो राजूलाल शर्मा जी हैं वो क्या नहीं है, तो राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखना, ठीक है, ये तीनों संबंधित हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का ही नेतृत्व रहता है, उनके नेतृत्व में ही राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जाती है। ठीक, यहां तक क्लियर है। इसके अलावा पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, बलदेव प्रसाद मिश्र, ठीक है, और ठाकुर पन्नालाल सिंह, ठाकुर पन्नालाल सिंह, और इसके अलावा बंसीलाल जी, इन नामों को याद रखना है आपको किस रूप में, तो राजनांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय के स्थापना के लिए। ठीक है, ठाकुर पन्नालाल सिंह और बंसीलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, कौन संबंधित नहीं है, तो राजूलाल शर्मा जी संबंधित नहीं है। 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में किन व्यक्तियों ने योगदान दिया। ठीक है, कौन से जो व्यक्ति हैं उन्होंने योगदान दिया था, माधवराव सप्रे ने, महंत लक्ष्मी नारायण ने, बलदेव प्रसाद मिश्र ने, एन डी दानी ने। ठीक है, किनने किनने योगदान दिया था, सही उत्तर चुनना है आपको, जल्दी से आपको अपना सही उत्तर चुनिए, लगा लिया आपने आंसर। तो जो रायपुर है और रायपुर के अंतर्गत जो राष्ट्रीय विद्यालय है, उस राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में किनका योगदान नहीं है, ठीक है, या किनका किनका योगदान है, ये पूछ रहा है आपको, कौन सा योग, किनने किनने योगदान दिया, ये आपको पूछा जा रहा है।
तो माधवराव सप्रे, महंत लक्ष्मीनारायण दास, बलदेव प्रसाद मिश्र, एनडी दानी। अभी हमने पढ़ा कि जो बलदेव प्रसाद मिश्र थे ये कहाँ पे थे, राजनांद गांव में थे, ठीक है। बाकी माधवराव सप्रे, ठीक है, महंत लक्ष्मीनारायण दास और एनडी दानी ने क्या किया था, तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में योगदान दिया था, ठीक है। होता यह है कि जो माधवराव सप्रे जी रहते हैं, वो माधवराव सप्रे जी क्या करते हैं, तो एक सभा आयोजित करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक सभा आयोजित करते हैं 5 फरवरी 1921 को, ठीक है, 5 फरवरी 1921 को क्या करते हैं, 5 फरवरी 1921 को माधवराव सप्रे एक सभा आयोजित करते हैं और इस सभा के अंतर्गत वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु 10,000 रुपए की राशि क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, ठीक है, सबसे दान देने बोलते हैं, सब दान देते हैं और 10,000 रुपए की राशि एकत्रित होती है, ठीक है। इस सभा में जो महंत लक्ष्मीनारायण दास हैं और एनडी दानी जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, इस सभा के अंतर्गत उनके सहयोगी रहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो विद्यालय स्थापित हुआ, इस विद्यालय के अंतर्गत संचालन समिति के मंत्री, रायपुर के अंतर्गत जो राष्ट्रीय विद्यालय है उसमें संचालन समिति के मंत्री, संचालन समिति के मंत्री थे कौन, तो वामन राव लाखे, संचालन समिति के मंत्री वामन राव लाखे थे, ठीक है। विद्यालय हेतु भवन की व्यवस्था, विद्यालय हेतु भवन की व्यवस्था सेठ गोपी किशन ने किया था, विद्यालय हेतु भवन की व्यवस्था किसने किया, तो सेठ गोपी किशन ने विद्यालय हेतु भवन की व्यवस्था किया, ठीक है। प्रधान पाठक या प्रधान अध्यापक कौन थे, तो राम नारायण तिवारी जी क्या थे, प्रधान अध्यापक थे, राम नारायण तिवारी, क्लियर है यहां तक, ठीक है। इस स्कूल के अंतर्गत टोटल 240 विद्यार्थी थे, ठीक, कितने विद्यार्थी, तो कुल 240 विद्यार्थी थे, ठीक है। इस विद्यालय में शिक्षा निशुल्क दी जाती थी, ठीक है, क्या किया जाता था, इस विद्यालय में शिक्षा निशुल्क दी जाती थी, जैसे कि कंपटीशन कम्युनिटी अभी क्या करा रहा है, आपको निशुल्क तैयारी करवा रहा है CGPSC प्रारंभिक पाठ्यक्रम की, वैसे ही इस समय क्या किया जा रहा था, तो इस समय ये कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था कि हम निशुल्क शिक्षा देंगे, ठीक है। हमने भी ये कॉन्सेप्ट यहीं से लिया, असहयोग आंदोलन से, ठीक है भाई, कहां से लिया है, तो असहयोग आंदोलन से लिया है। शिक्षा क्या दी जाती थी, निशुल्क दी जाती थी और ये हिंदी माध्यम स्कूल था, ठीक है, क्या था, तो हिंदी माध्यम स्कूल ये था, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक। आंसर, आंसर लगा लिए हैं आप क्या, 1, 2 और 4, ठीक है, क्या है आंसर आपका, 1, 2, 4, आंसर क्या होगा आपका, डी इसका आंसर हो जाएगा। माधवराव सप्रे, बलदेव प्रसाद मिश्र नहीं थे, महंत लक्ष्मी नारायण दास और एन डी दानी ये क्या थे, तो ये रायपुर के अंतर्गत राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना में इनका योगदान था, ठीक है। और योगदान के अलावा फिर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो संचालन समिति के मंत्री थे वामन राव लाखे, विद्यालय हेतु भवन की व्यवस्था सेठ गोपी किशन, प्रधान पाठक कौन थे, तो राम नारायण तिवारी, टोटल 240 विद्यार्थी थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का त्याग किया था, ठीक है। पहले अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में क्या कर रहे थे, ये पढ़ाई कर रहे थे और जब ये घोषणा हो गई कि क्या किया जाएगा, तो यहां पर राष्ट्रीय विद्यालय खोला जाएगा, तो ये सभी क्या कर दिए, अंग्रेजी विद्या का त्याग कर दिया, अंग्रेजी माध्यम स्कूल का त्याग कर दिए, अब हमको अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ना है, हमको कहां पढ़ना है, तो हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ना है, जो हमारा स्कूल है, हमारा जो राष्ट्रीय विद्यालय है उसमें पढ़ना है, ऐसा क्या कर दिए ये, तो ये अपना मन बनाए और 240 विद्यार्थी यहां पर एडमिशन लेते हैं, शिक्षा निःशुल्क थी और हिंदी माध्यम स्कूल था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना किसने की थी, ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र, ठाकुर पन्नालाल सिंह, सभी विकल्प सही हैं। तो हमने देखा था कि राजनांदगांव के अंतर्गत ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बलदेव प्रसाद मिश्र और ठाकुर पन्नालाल सिंह, इन तीनों का नाम था, तो आपका क्या हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं, ये आपका आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, सही उत्तर चुनना है, इन चार में से किन स्थानों पर क्या किया गया था, तो राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी, ये आपको बताना है, जल्दी से आप अपना आंसर दें, लगा लिया आपने आंसर,
तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो रायपुर में भी हमने पढ़ लिया है, रायपुर के अलावा धमतरी के अंतर्गत भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई थी, राजनांदगांव में किया गया था और बिलासपुर में किया गया था, महासमुंद में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, 1, 2 और 4। ठीक है, सी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसमें जो धमतरी रहता है, धमतरी के अंतर्गत 1921 में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जो रहते हैं वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करते हैं। ठीक, कौन राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करते हैं, तो आपके बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव अपने निवास स्थान पर ही क्या करते हैं, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करते हैं। ठीक है, कब, तो 1921 में, और संचालन करता भी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव खुद रहते हैं। ठीक है, यहां पर धमतरी के अंतर्गत 6वीं से 10वीं तक स्कूल खोला गया था और इसमें प्रधान पाठक के रूप में दो व्यक्तियों का नाम याद रखना है आपको, पहला अजीज उर रहमान, ठीक है, क्या, अजीज उर रहमान, और दूसरा ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठीक है, ठाकुर प्यारे लाल सिंह कुल मतलब 6 महीने के लिए ही कुछ समय तक क्या करते हैं, यहां पर प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, फिर यह जो राष्ट्रीय विद्यालय था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के निवास स्थान पर, यह 1921 से 24 तक मात्र 3 वर्ष ही चलता है, फिर आर्थिक कारणों के कारण यह विद्यालय क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो रायपुर हो गया आपका, धमतरी हो गया, बिलासपुर, बिलासपुर के अंतर्गत अभी हमने पढ़ा था माखनलाल चतुर्वेदी, तो जो माखनलाल चतुर्वेदी जी रहते हैं राष्ट्रकवि, वो क्या करते हैं, अपनी एक पत्रिका जारी करते हैं कर्मवीर, और कर्मवीर पत्रिका के माध्यम से जो माखनलाल चतुर्वेदी जी रहते हैं वो क्या करते हैं, बिलासपुर के छात्रों को अंग्रेजी शिक्षा के त्याग करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप क्या करें, अंग्रेजी शिक्षा का त्याग करें और हमारे राष्ट्रीय विद्यालयों में क्या करें, आप अपनी शिक्षा लें। तो वहां के अंग्रेजी माध्यम के अंतर्गत जितने भी बच्चे थे वो क्या कर देते हैं, अंग्रेजी शिक्षा का त्याग कर देते हैं, जिसके लिए बद्रीनाथ साव जी ने क्या किया था, विद्यालय हेतु भवन की व्यवस्था की, जिसमें पंडित शिव दुलारे मिश्र जी क्या थे, प्रधान पाठक थे, और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव जी क्या कर रहे थे, अध्यापन का कार्य कर रहे थे, शिक्षक का कार्य कर रहे थे, जैसे मैं अभी आपके लिए अध्यापक का कार्य कर रहा हूं, वैसे ही यदुनंदन प्रसाद जी भी क्या कर रहे थे, अध्यापन का कार्य कर रहे थे। क्लियर है, समझ में आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1, 2 और 4। छत्तीसगढ़ में प्रथम जंगल सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस स्थान पर और कब हुआ था। ठीक है, तो प्रथम सत्याग्रह कंडेल ग्राम में हुआ था, सिहावा नगरी में हुआ था, डोंडी लोहारा में, कि पोड़ी में, तो ये तो आपको सबको पता है कि जो कंडेल नहर सत्याग्रह था ये 1922 में प्रथम जो जंगल सत्याग्रह है वो सिहावा नगरी पर हुआ था 1922 में। ठीक है, कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, क्यों हुआ था, तो अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया था, वनों को आरक्षित घोषित कर दिया गया था, आदिवासियों के वन उत्पाद कर उपयोग करने पर क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, तो जंगल सत्याग्रह होता है, लोग जंगल में घुस जाते हैं, जानबूझकर लकड़ी काटते हैं, लकड़ी काटकर अंग्रेज को बताते हैं कि हम लकड़ी काटे हैं, जो करना है कर लेना, अंग्रेज पीटते हैं। ठीक है, पीटते हैं, फिर क्या होता है, विरोध होता है, आंदोलन होता है, फाइनली फिर क्या हो जाता है, यह जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है वह सफल होता है। ठीक, अगला बोल रहा है, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो कहां पर हुआ था, अभी हमने देखा था नगरी सिहावा में क्या हुआ था, तो वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। ठीक, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। ठीक, आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे 1923 से होने वाली घटनाओं पर। ठीक, 1923 से लेकर आगे जितने तक हम पहुंच पाएंगे वो हम कल देखते हैं कि कल हम कहां तक पहुंच पाएंगे। कल से आपको शुरू करना है 1923। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना से हम शुरू करेंगे और आगे अपना जो हमारा भी जो आंदोलन चल रहा है, कौन सा आंदोलन, तो MCQ आंदोलन, उसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और आपके जो पाठ्यक्रम है उसको कंप्लीट करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो आप क्या करें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और भाई अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।